नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बहुत सारी अपडेट हैं, टैप स्वैप पे लेके हैं, हेमेस्टर कॉम्पैक्ट सेकंड टोकन और आपका एथिन नेटवर्क, चार टॉपिक रहेंगे आज इस वीडियो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं हेमेस्टर कॉम्पैक्ट, क्योंकि हेमेस्टर कॉम्पैक्ट के बगैर कोई भी वीडियो आपका एक तरह से पूरा नहीं होता। तो पहला टॉपिक रहेगा हेमेस्टर कॉम्पैक्ट में क्या लिस्टिंग डेट कन्फर्म है। तो ऐसा ही कुछ आपने अभी तक के वीडियो में सुना होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं 10 तारीख को, बहुत सारे लोग कह रहे हैं 15 तारीख को, लेकिन मैं आपको एक केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, ये सारा का सारा सफेद झूठ है। कोई लिस्टिंग नहीं है, ना 10 तारीख को हो रही है, ना 15 जुलाई को हो रही है। ये केवल और केवल आपको हेमेस्टर के नाम पर अब बेवकूफ पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप मुझे एक जगह लिखा हुआ दिखा दीजिए, चैलेंज करता हूं जो भी जितने भी YouTube पर वीडियो बना रहे हैं कि एक जगह मुझे लिखा दिखा दो कि 10 तारीख को हेमेस्टर जुलाई को हेमेस्टर लॉन्च हो रहा है, 15 जुलाई को हेमेस्टर लॉन्च हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं लिख के देता हूं, क्योंकि अभी तो उसका व्हाइट पेपर भी नहीं आया है। व्हाइट पेपर आने के बाद चीजें डिस्क्लोज होंगी, एक्चुअली चल क्या रहा है प्रोजेक्ट में। अभी तो केवल हेमेस्टर वाला आपसे पैसा कमा रहा है, और वो कमा रहा है आपको अपना यूट्यूब वीडियो दिखा दिखाकर, केवल इतना हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए देखिए, मैं कहता हूं ना कि घुमा घुमा के मैं आपको कितनी चाशनी चटाऊंगा। ऐसे कुछ तो फैक्ट रखो सामने यार, क्यों कम्युनिटी को बेवकूफ बना रहे हो। बाकी मैं ऐसे यूट्यूबर सबसे कहना चाह रहा हूं कि भाई इतना बेवकूफ मत बनाओ कि कम्युनिटी भी आपसे फिर चिड़ने लगे, वीडियो ही देखना बंद कर दे, तो यार इतना भी ठीक नहीं रहता। तो भाई हेमेस्टर में फिलहाल यही एक ऐसा मेजर अपडेट है जो कि बेवकूफ मत बनो। बस आपको फैक्ट देखना है तो उनके ट्विटर हैंडल पर चले जाओ, उनके टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाओ, यूट्यूबरों को सबको लात मार दो, मैं तो ये कहता हूं, वैसा मुझे भी मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच तो देखो कम से कम, ज्यादा अच्छा रहेगा। हेमेस्टर में आप माइनिंग करते रहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप माइनिंग छोड़ दें, माइनिंग करते रहिए, लेकिन फैक्ट के साथ कीजिए। तो ये हेमेस्टर का लेटेस्ट अपडेट है कि फिलहाल ना तो 10 जुलाई को लॉन्चिंग है और ना ही 15 जुलाई को लॉन्चिंग है, ये केवल और केवल झूठ पर झूठ फैलाया जा रहा है। अब आते हैं टैप स्वैप पर। तो मेरे भाई टैप स्वैप की ऑथेंटिक जो न्यूज थी वो मैंने आपको शायद कल या परसों के वीडियो में क्लियर कट दे दी कि वो Q3 में आपका लॉन्च करेंगे। अब वो Q3 में कोई भी डेट फाइनल नहीं है, अब Q3 आपका जुलाई से लेके और सितंबर यानी कि 30 सितंबर तक जाता है, यानी पूरे 3 महीने। अब 3 महीने में भी करेंगे नहीं करेंगे, आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि 10 तारीख को ये भी टैप स्वैप को भी लॉन्च कर रहे हैं, तो भाई वो भी सरासर झूठ चल रहा है मार्केट में वीडियो के द्वारा। तो यहां पर भी आप कंफर्म रही कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है टैप स्वैप के साथ भी, कि वो टैप स्वैप वाला भी अपना आपको वीडियो दिखा दिखा के पहले पैसे कमाएगा, तो जब तक वो कमाएगा नहीं तब तक आपको कुछ देगा नहीं। तो यहां पर भी आप केवल अपनी माइनिंग करते रहिए, और मुझे लगता है कि टैप स्वैप वाला आपको 3 महीने और माइनिंग कराएगा। Q3 की जो डेट है इसकी वो कन्फर्म है, आपके इस ट्विटर पर चले जाइए, चाहे इसके टेलीग्राम पर चले जाइए, उन्होंने खुद ही इस चीज को अनाउंस किया है। तो फिर हम घुमा घुमा के आपको ये क्यों बताएं कि टैप स्वैप लॉन्च होगा, टैप स्वैप ये कर रहा है, टैप स्वैप वो कर रहा है, सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो भाई यहां पर भी आप निश्चिंत रहिए, टैप स्वैप भी अभी लॉन्च नहीं हो रहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है एथिन नेटवर्क। देखो मेरे भाई, एथिन नेटवर्क में केवल अभी प्रीमियम बेचे जा रहे हैं, और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अब एथिन पर कोई भी बहुत ज्यादा कोई ट्रस्ट कर रहा है या बहुत ज्यादा उस पर कोई अब फोकस कर रहा है। आप ये देख रहे हैं जो नए नए जितने प्रोजेक्ट आ गए हैं, जैसे टैप स्वैप है या हेमेस्टर है या और भी इसके साथ साथ मेमिफाई है, कहीं ना कहीं ये जो अपने पुराने वाले जो माइनिंग एप्स थे जो मुझे लगता है कि ठीक चल रहे थे, वो जो है फिलहाल पीछे छूट गए, और एथिन पे फिलहाल कोई फोकस नहीं किसी का। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया उन्होंने, जो एक तरह से कन्वर्जन दिया, वो भी बहुत ही बकवास दिया, यानी कि इतने एथिन के लिए कोई आदमी इतनी मेहनत नहीं करेगा। आपने जो है लॉइन तो दिया ही नहीं इस महीने, क्योंकि एथिन में इस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिला है 1 तारीख को, उसमें देखिए लॉइन आपको बिल्कुल नहीं मिला, यानी कि लॉइन की कहानियां खत्म हो चुकी है, और वैसे भी उसका कोई प्राइस देखिए जिन्होंने इतनी हाइप बनाई थी उसका उतना प्राइस रहा नहीं। तो कुल मिला के देखा जाए तो लॉइन की कहानी भी फिनिश है, बेशक टीम हाथ पैर मार रही है लेकिन बहुत ज्यादा उसमें ऐसा कुछ हो नहीं रहा। एथिन में भी देखिए जिस तरीके से उन्होंने इस बार यानी कि 4500 पर आपको एक एथिन मिला, यानी 4500 जेम के बदले में एक एथिन, कौन करेगा, कोई माइनिंग नहीं करेगा हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे इसको भी साइड कर देंगे लोग, क्यों, क्योंकि एथिन वाले अब कहीं नहीं घुमा फिरा के वही प्रीमियम ले लो, ये पैकेज ले लो, वो पैकेज ले लो, या फिर हमारे ही P2P प्लेटफॉर्म पकड़ो जो करना है। अरे भाई दुनिया भर के एक्सचेंज है, उन पर लिस्टिंग कराओ ना, केवल अपने ही P2P प्लेटफॉर्म पर हर चीज को घुमा के लाना, तो भाई इतना पब्लिक बेवकूफ नहीं है। तो भाई मैं तो ये कहता हूं अगर आपका एथिन का जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का वो आता है तो आप वो जरूर कलेक्ट कीजिए, लेकिन ये है कि माइनिंग तो तब तक करनी पड़ेगी, तो भाई एथिन में भी आप माइनिंग
करते रहिए, यही एक मेजर अपडेट है, इसमें भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन आपको यहां पर हेमेस्टर कॉम्पैक्ट में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, हेमेस्टर कॉम्पैक्ट में फिर से इन्होंने टीम ने अनाउंसमेंट किया है कि आपका प्रॉफिट पर आवर ही इंपॉर्टेंट है बजाय के आपके टोकन बैलेंस के। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं कुछ बना रहा हूं, आप इनके टेलीग्राम पर जाइए, ऑथेंटिक चीज आप देखिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूं और ये भी आपको बहुत कंफर्म हो जाएगा। अब मैं आके खाम का आपको हवा हवाई बताऊं तो वो भी कुछ ठीक नहीं इस बार। लेकिन इन्होंने एक चीज मेंशन जो की है वो ये है कि पिछली बार जैसा होता कि और भी फैक्टर आपके मैटर करते हैं, यानी प्रॉफिट पर आवर के साथ, लेकिन इस बार का इन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि प्रॉफिट पर आवर ही आपका इंपॉर्टेंट है बैलेंस के अकॉर्डिंग। तो यहां पर इन्होंने इस बार ये चीज मेंशन नहीं की बिल्कुल भी कि आपके और भी बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो इसमें मैटर करेंगे। तो अभी तक का इसमें अपडेट यही है कि भाई प्रॉफिट पर आवर। लेकिन भाई देखिए, इनका भरोसा कुछ नहीं है, कब कौन सा अपना ये मूड चेंज कर दें तो उस टाइम पे क्या हो जाए। लेकिन मैं तो फिर भी आपसे यही कहूंगा कि भाई 50-50 करके चलिए, प्रॉफिट पर आवर भी रखिए और अपने टोकन्स को भी रखिए, जिससे कि अगर इनका मूड कुछ चेंज होता है तो आप भी उसी हिसाब से कम वो कहते हैं निलवटा सन्नाटा ना हो जाए। तो यहां पर हमेशा कॉम्बैट में आप ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है हमारा सेकंड टोकन, इसकी माइनिंग देखिए हमारी कंटिन्यू और चल भी रही है और बहुत सारे लोग इसके साथ एक तरह से जुड़े हुए हैं। प्रोजेक्ट है इसमें देखिए, आपको अपग्रेड करने का एक तरह से ऑप्शन आया हुआ है, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं साइड में, यहां पर आपको देखिए जो वॉच मिल रही है उसमें आपको एक तो 20x तक का आपको माइनिंग का एक तरह से स्पीड आप अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बदले में आपको देखिए जो आपका माइनिंग टोकन है वो कुछ कटेगा, लेकिन उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो आपका 13x और 20x तक की आपको एक तरह से स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। तो सेकंड टोकन में देखिए अभी तक तो जो चल रहा है सब ठीक चल रहा है, अभी वॉलेट कनेक्ट करने का इसमें कोई ऑप्शन नहीं आया है, तो आप इसमें भी अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। आपको अपग्रेड का ऑप्शन ऊपर ही नजर आ रहा है, वहां पर क्लिक कीजिए और आप जाके वॉच जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने कहा ना कि आपको अपने टोकन्स खर्च करने पड़ेंगे। अब आते हैं कि एक्चुअली मार्केट में क्या अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है क्या ये लॉन्च होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे अभी साहब, एक आध ही कोई हो जाए तो हो जाए, वरना अभी कोई भी प्रोजेक्ट ऐसी कंडीशन पर नहीं है जो कि लॉन्च हो जाए। उसकी वजह है मार्केट का डाउन होना। देखिए, ये प्रोजेक्ट वाले भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अभी जो भी प्रोजेक्ट मार्केट में आएगा वो फ्लॉप होना ही होना है, 100% फ्लॉप होना है। तो आप अभी देखिए बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो डिले पर डिले करते जा रहे हैं। आप जैसे देखिए ओजीसी हो गया, इसने डिले कर दिया, ऊपर आपका इधर ओवर वॉलेट हो गया, वो देखिए कितने दिनों से डिले कर रहा है। तो ये जो डिले टैक्टिक्स चल रही है ये सिर्फ वजह हुई है कि मार्केट का डाउन होना। तो अभी मैं कह रहा हूं ये जो हाथ फेंक फेंक के, हाथ जोड़ जोड़ के, माथा पीट पीट के आपको बता रहे हैं कि हेमेस्टर कॉम्बैट लॉन्च डेट कंफर्म, लॉन्च डेट कंफर्म, मेरे भाई केवल और केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो भाई मैं तो ये कहता हूं कि आप यूट्यूब पर किसी पर भरोसा मत करो, आप सीधा ट्विटर हैंडल ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको सारी ऑथेंटिक चीज अपने आप पता चलती रहेगी। क्योंकि ये तो सिर्फ क्या है कि एक तरह से बस व्यू लेना है, यही चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है। मेरे भाई देखो, मरीना प्रोटोकॉल में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं आपको कैसे केवाईसी करनी है, जिसने नहीं देखा वो इसी चैनल पे आप देख सकते हैं कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप केवाईसी करनी है। भी प्रॉब्लम आ रही है कईयों को अपना कनेक्ट करने में, तो मेरे भाई देखो ये इनका सिस्टम ग्लिच है, इसमें और कुछ नहीं है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको 31 जुलाई तक का पूरा टाइम है। तो जो पहला एक तरह से देखा जाए लॉट है वो 31 जुलाई तक का इन्होंने रखा है, उसके बाद फिर से एक तरह से दोबारा से लॉट आएगा, उसमें भी आप केवाईसी करा सकते हैं। तो 31 जुलाई तक आप इजीली कर लीजिएगा, अभी तो बहुत पूरा महीना पड़ा हुआ है। तो देखिए इनका ये सिस्टम ग्लिच है, ये धीरे धीरे ठीक होगा तो आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, जो प्रोसेस मैंने बताया है। तो आप वीडियो देख लीजिए, उसी प्रोसेस से फिर दोबारा से कीजिए। इवन अभी तक मेरा भी टेलीग्राम कनेक्ट नहीं हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इनका सिस्टम ग्लिच है, किसी किसी का हो गया है, नहीं जरूरत नहीं है, आप ट्राई करते रहिए, प्रोसेस वही है जो मैंने आपको बताया है। तो मुझे लगता है अब आपके सारे डाउट्स जो है ना क्लियर हो गए होंगे। और जिसने अभी तक भी जो है प्रोजेक्ट उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपके सारे के सारे कॉम्बो देखिए, आज जितने भी कॉम्बो सिफर कोड जो भी आया मैं टेलीग्राम पर दे चुका हूं, तो आप वहां पर जाकर उनको देख के और अपना इजीली उनको कर लीजिए। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, तो साइड में आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और भी अगर आपका कोई डाउट है तो ऑथेंटिक चीज यही मिलेगी, आप जरूर पूछिएगा, जरूर आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।